यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्त की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्त में कैंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चारमीनार पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके शहरान मछली कमान के पास दो दुकानों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई, जिसमें 10 से 15 लाख मालियत का सामान जल चुका है। इत्तला मिलते ही AIMIM के मलकपेट MLA जनाब अहमद बलाला ने मौके पर पहुंचकर वहां का जायज़ा लिया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अक्रम की ये रिपोर्ट। 15 दिन से ज़्यादा से दुकान बंद है, बाजू एक प्लास्टिक की दुकान भी है, उसमें शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से वो और ये दोनों दुकान पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह भरपाई करेंगे, इंशाल्लाह इसी किसी भी तरीके से हल करेंगे इंशाल्लाह। मेरी चप्पल की दुकान थी, करीब 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा नुकसान हुआ, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आया जब तक मैं तो खोल रहा था दुकान, लॉकडाउन की वजह से बंद करके गए, जब तक बहुत मसला हो जा रहा। चेकिंग वगैरह चल रही थी, गाड़ियाँ सीज कर दे रहे बोल के, आज जब तक मैं खोल रहा ही नहीं था दुकान। और ये हो गया कि अब मेरे को फ़ोन करे तो मैं आया, वो भी रास्ते में भी पकड़ लिए थे गाड़ी वाले मेरे को, कहाँ जा रहे हैं बोल के, और वो जल गई बोल के आया। मैं बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जानी नुकसान तो हुआ था मेरा थोड़े दिन पहले, अब फिर ये माली नुकसान भी हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरा। मेरे बड़े बड़े भाई की स्पाइन की सर्जरी भी हुई थी, वो भी हुआ, फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई की स्पाइन की सर्जरी भी, वो एक अब ये दुकान जल गई, बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ मेरे ऊपर, आज से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। खैर गवर्नमेंट से मेरी अदबन गुजारिश है, KCR साहब से, KTR साहब से, मैनेस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से अदबन गुजारिश है कि हमारा ख्याल करिए। लॉकडाउन में पहले ही तकरीबन परेशान थे, गए साल हम बहुत करे गरीब लोगों के लिए, अब ये मौकूफ़ नहीं था कि हम किसी को मदद करें जैसा, और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बलाला साहब का और मुजफ्फर साहब का, दोनों पूरे तीनों सदनवीसी साहब पूरे टीम को भेजे थे हमारे पास, MIM साहब की MIM का बहुत बहुत शुक्रिया, सदनवीसी का, अकबरुद्दीन से का, हमारे गौस साहब का, अहमद बलाला साहब का, मुमताज़ अहमद खान का, और हमारे पाशा खदीर साहब के बोलने से अहमद बलाला पूरी टीम लेके अपनी पहुँचे, मुजफ्फर साहब कॉरपोरेटर, शुक्रिया बहुत बहुत MIM का, असदुद्दीन का बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैन अल्कवामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल, वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आ रास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।